में मृतक से सड़क बनाने का मामला प्रमुख थाने जीएसबी न्यूज द्वारा उजागर किया गया था। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर से निर्देश पर जांच टीम को चंदेरी जनपद भेजा गया। जांच में मरे हुए व्यक्ति से मजदूरी कराने का मामला सही पाया गया है। मृतक का जॉब कार्ड बनाकर फर्जी तौर पर राशि निकाली गई है। मनरेगा में फर्जीवाड़े का यह अकेला मामला नहीं है। अब धीरे धीरे इस पंचायत में मनरेगा में हुए फर्जीवाड़े की कलई खुलने लगी है। नया मामला ग्राम पंचायत गरेटी में 51 वर्षीय दिव्यांग महिला से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है, जहां 40% दिव्यांग महिला से भी मजदूरी कराई गई है। वहीं ग्राम पंचायत गरेटी के ग्रामीणों का कहना है कि उनके हाथों में ना तो जॉब कार्ड है और ना ही उन्हें पंचायत से मजदूरी मिली है। उनका कहना है कि हमें 1 रुपया भी मजदूरी करने की नहीं मिली है। आपको बता दें कि यहाँ के जिम्मेदार जिंदा तो जिंदा मुर्दे से भी मजदूरी करा रहे हैं। यहाँ के जिम्मेदार जिंदों के साथ मुर्दों के भी जॉब कार्ड बनाकर पंचायत में मनरेगा मजदूरी पर कागजों में लगा दिए हैं। पंचायत से फर्जीवाड़े के और भी जल्द मामले आ सकते हैं। प्रताप सिंह नाम है, आपके पास जॉब कार्ड है? है। तो कितने दिन मजदूरी पे गए होंगे आप? गए कभी आप? मजदूरी तो जिंदगी भर करी, मानो 1 रुपया किया है। नहीं, जॉब कार्ड में पंचायत द्वारा कभी लगाया जाता आपको मजदूरी पे? सरपंच सचिव या उन द्वारा? तो पोर्टल पे तो आप बना रहे हैं, सीसी रोड में भी आप काम कर रहे हैं, पोर्टल दिखा रहा है, कागजों में दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं मेरे सर, कुछ नहीं, कभी नहीं मिले क्या? कभी नहीं, 1 रुपया नहीं। सर आप हमारे सुनो, सबके जॉब कार्ड सरपंच ले गए, सब गाँव भर के, और आधार कार्ड नंबर ले गए, कार्ड लेके। नहीं तो खाते नंबर आपके होंगे फिर कैसे? अरे खाते नंबर, खाते नंबर ले रहा था। आप लोगों ने खाते नहीं खुलवाया? कोई एटीएम एटीएम रखे हैं क्या? चक्कर पागल बना के एक आंट में कोठा लिया बैठा सबके में कुटी आ रही कुटी तो सबने दे दे बिना पड़े गाँव में जी। तो यही पता पड़ा था कि आप जांच करने गए? हाँ, उसमें जो समाचार लगा था वो सही है। अच्छा, राशि जो है फर्जी जॉब कार्ड बनाकर जो है मृतक के नाम से निकाली गई है। अब हम किसने निकाली है वो हमने सीओ जनपद से पूछा है। हाँ। इस व्यक्ति उसके लिए दोषी है जिसने जो है नाम स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन हमें दे, हमने सीओ जनपद से मांगा है उसका।